गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज झाड़ोल। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल रीड ए पोएम दैट इज रिटन बाय विलियम ब्लेक एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज द टाइगर। सो इन दिस लेक्चर वी विल रीड दिस पोएम लाइन बाय लाइन। सो बिफोर गोइंग टू द पोएम we need to know something about this poem. So this poem was published in 1794. A collection of poems by William Blake was published in 1794, and the title of the collection was Songs of Innocence and Experience. Okay, so in this collection this poem was published, and then there was another poem that is the title of the poem is The Lamb. So these two poems, The Tiger and The Lamb, are considered companion poems. Okay, so let's read the poem line by line. So the first line reads, Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Okay, so let's discuss these two lines. So, tiger, tiger. So, in the beginning of the beginning of the poem, we are getting two alliteration. We are getting repetition of the T sound, tiger, tiger, and then there is repetition of B sound, burning bright. So here in the first line we are getting two example of alliteration. Okay, in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. Okay, so tiger, tiger. So in the beginning of the poem, the writer or the poet is addressing tiger, and he is asking something. First, he is telling that you are burning bright. Tiger, tiger, burning bright. Mean your color is so bright that it seems like your skin is burning. And in the forest of the night, and even in the forest of night, you look like burning bright. Mean you are so bright, so that it look like burning. What immortal hands or eye? Now he is asking the first question, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. So yes, symmetry mean to balance something. Okay, mean when we create something, then we have to manage its balance. ओके, आपस में चीज़ों में कुछ ना कुछ बैलेंस होना आवश्यक होता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन द राइटर इज आस्किंग टू द टाइगर दैट व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, किस तरह के हाथ और आंखें थी जिन्होंने जिन्होंने तुम्हें बनाया है. फियरफुल, फियरफुल का मतलब फियरसम, डरावना, सिमेट्री. कौन सी चीज़, एक डरावनी चीज़ बनाई है तुम्हें, लेकिन वो कौन सी आंखें थी, कौन से हाथ थे. तो हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, तो यहाँ हैंड और आई का प्रयोग किया गया था. जब लिटरेचर में इस तरह का किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एक आँख और एक हाथ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, सिनकडकी का प्रयोग किया गया है. सिनकडकी का दूसरा एग्जांपल हम देखने की कोशिश करें तो देखते हैं कि टू आईज वर वॉचिंग मी, दो आंखें मुझे देख रही थी. तो दो आंखें नहीं देख रही थी, कौन देख रहा था, एक इंसान देख रहा था. देयर कम सेवरल हैंड्स टू हेल्प मी, वहाँ बहुत सारे आदमी मेरी सहायता के लिए आए. फोर हैंड्स हेल्प्ड मी, मतलब कि दो लोगों ने मेरी सहायता करी. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सनकडकी. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ आवर पोएम वी गेट एलिट्रेशन, सनकडकी ऑल्सो देयर. ठीक है, सो इन दिस पोएम, इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम द राइटर इज आस्किंग अबाउट हू वर देयर, हू कुड फ्रेम योर मीन योर बॉडी, या फिर तुम्हारा शरीर किसने बनाया है. ओके, सो इन द फॉलोइंग स्टेंजा वी रीड, इन व्हाट डिस्टेंट डीप और स्काइज
Here we are again getting an example of alliteration. Distant, deep. The sound जो है वो बार बार repeat हो रहा है. In what distant deep or skies? ऐसी दूर और गहरी और आसमान. कौन सी गहराइयाँ थी? या तो किसी गहराई में तुम्हें बनाया गया है या फिर किसी आसमान में तुम्हें बनाया गया है. This cannot be the creation on the world. मीन इस जमीन पे ऐसे कार्य मुश्किल से किए जाते हैं. या तो किसी गहराई में या फिर किसी पाताल में तुम्हें बनाया गया है या फिर तुम्हें आसमानों में बनाया गया है. Someone has burnt the fire of thine eyes. Your eyes look like fire. Your eyes are so shining that it looks like fire. तो तुम्हारी जो आँखों की जो आग है वो कौन से आसमानों में बनाई गई थी या फिर कौन से गहराइयों में ढाली गई थी. And what on what wings dare he aspire? And उसके क्या ख्वाब थे, उसके क्या अरमान थे जिसने तुम्हें बनाने की सोची. What the hand there sees the fire? और कौन से हाथ थे जिन्होंने उस हाथ को क्या किया था, उस आग को सीज करने की, पकड़ने की कोशिश करी थी. मीन हियर ही इज आस्किंग दैट व्हाट हैंड्स वर देयर टू डेयर इनफ टू क्रिएट द आईज ऑफ द टाइगर. सो इन बोथ स्टेंजास द राइटर इज आस्किंग टाइगर अबाउट द क्रिएशन ऑफ creation of tiger and its eyes. Okay, next stanza. And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? He again asking a question that what shoulders, कौन से कंधे थे, एंड वॉट वॉज द आर्ट दैट कुड ट्विस्ट द स्नूज ऑफ दाई हर्ट. ये कौन से कंधे थे, कितने ताकतवर कंधे रहे होंगे. वॉट आर्ट, कैसी कला रही होगी जिसमें तुम्हारे हृदय के अंदर की जो मसल्स हैं, तुम्हारे हृदय की जो धवनियाँ हैं, उनको क्या किया था, ट्विस्ट किया था, उनको मोड़ा था, उनके बीच में कलाकारी करी थी. एंड उनके बीच में क्या भरा था, उन्होंने साहस भरा था, ताकत भरी थी, साहस भरा था, हौसला भरा था. सो the writer is imagines the kind of effort and skill used in the making of a tiger and the tiger's heart. And when thy heart began to beat, and finally when the heart of the tiger was completely made, and when it began to beat, जब इसमें सांसें चलना शुरू हो गई, जब इसकी धड़कनें चलना शुरू हो गई, what did hand and what did feet? वो क्या उन हाथों में कोई डर महसूस नहीं हुआ क्या, या फिर उनके पैर कांपने नहीं लगे थे क्या? ये टाइगर से ये सवाल पूछ रहा है, या फिर ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भगवान ने इसको बनाया और अचानक से जब इसमें जान आ गई, या फिर इसने अपना रुद्र रूप दिखाने की कोशिश करी, तो शायद बनाने वाले के हाथ भी कांप उठे होंगे, या फिर उसके पैर भी कांप उठे होंगे. या फिर ये उससे सवाल कर रहा है, वाज इट लाइक दैट, कि ऐसा कुछ हुआ था क्या. ओके, सो इन दीज थ्री लाइन्स, I mean, in these three stanzas, the writer has some questions and he is seeking for the answers. But the writer, the tiger is quite quiet. Writer, the tiger hai, wo chup hai aur kisi tarah ka koi jawab nahi de raha. Okay, and now I think we will not be able to finish this poem before 15 minutes.
करीब 10 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं और लगता नहीं कि हम 15 मिनट में क्योंकि अभी तक हम 3 स्टेंजियाँ पढ़ पाए हैं और 3 स्टेंजियाँ अभी बाकी हैं। तो आई थिंक कि मुझे आगे वाले लेक्चर में इस कविता को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इसको अभी तो हम ख़त्म नहीं करेंगे और यदि हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे। सो लेट्स कंटिन्यू इन द फॉलोइंग